देखो, जब जॉन विक की फर्स्ट मूवी आई थी वो बहुत ज्यादा कमाल की रही थी। जिस तरीके से उसके अंदर एक्शन देखने को मिले थे, जो गन फाइटिंग हमें देखने को मिली थी, फिर स्टोरी की अगर हम बात करें, बेशक मूवी के अंदर डायलॉग कम रखे गए, और सबसे अच्छी चीज मुझे वही लगती है कि डायलॉग कम है लेकिन जब वो कन्वर्सेशन होती है वो बहुत कमाल की होती है। फिर इसके बाद इसके चैप्टर आने स्टार्ट होते हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, जो काफी ज्यादा बढ़िया रहते हैं। और जब चैप्टर 4, देखो इसका बहुत ज्यादा इतना इंतजार था, मतलब जब ट्रेलर रिलीज हुआ था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ट्रेलर, और इंतजार था कि यार इस मूवी में हमें नया क्या देखने को मिलने वाला है। भाई अगर हम बात करें इसकी पुरानी मूवीज़ की, यानी चैप्टर 2, चैप्टर 3, या जॉन विक के फर्स्ट मूवी की अगर हम बात करें, जिस तरीके के एक्शन हमें उसमें देखने को मिले थे, अगर वही एक्शन चैप्टर 4 में दिखाए जाएंगे या उतने ही एक्शन चैप्टर 4 के अंदर दिखाए जाएंगे तो उसका मतलब ही क्या रह जाता है। और अभी हाल ही में मैंने इतनी बकवासी मूवी देखी थी जिसका नाम था जिगाटो, यार उसने दिमाग का दही कर दिया। अब उसको रिफ्रेश करने के लिए या उसको बाहर निकालने के लिए एक बढ़िया सी मूवी देखनी थी, एक बहुत जबरदस्त मूवी चाहिए थी मुझे, और उन सारी उम्मीदों पे खरी उतरती है जॉन विक चैप्टर 4। वैसे मूवी की जो लेंथ है वो तकरीबन 3 घंटे के आसपास है, मतलब 10 या 15 मिनट कम रहे होंगे 3 घंटे से। पूरी 3 घंटे आप जब इस मूवी को देखोगे तब एक होता है ना कि डाउट मन में आता है कि यार 3 घंटे तक मूवी में ये दिखाएंगे क्या। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जब आप मूवी को देखने बैठोगे, मतलब स्टार्टिंग से ही इसके अंदर एक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और इसके अंदर इतने ज़बरदस्त एक्शन हैं कि आप सोचो, मतलब एक एक्शन चल रहा है उसमें ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, आप सोचोगे क्या अब ये इंसान यहाँ से कैसे निकलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में बता देता हूँ कि इस मूवी में स्टोरी क्या देखने को मिलने वाली है। जैसे आप अगर इसकी फॉलो ही करते आ रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली पता ही है कि इसमें स्टोरी क्या होगी और इसमें आगे क्या देखने को मिलेगा। देखो प्रिडिक्ट तो वैसे ही नहीं कर पाओगे, लास्ट की अगर मैं बात करूँ, मैं तो नहीं कर पाया जो इसके अंदर एंडिंग देखने को मिली। स्टोरी यही है कि जॉन विक जो है भाई अपने आप की जो आज़ादी चाहता है, फ्रीडम चाहता है, वो कैसे चाहता है, किससे चाहता है, खैर जब आप मूवी देखोगे तभी आप समझ जाओगे। एक लाइन काफ़ी है इस मूवी को डिफाइन करने के लिए, ज़्यादा अगर इसके बारे में बात करी तो स्पॉइलर चला जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का थोड़ा भी इंटरेस्ट इसमें खराब हो जाए। तो ये इसकी स्टोरी रही। अब बातें हैं कि इसके अंदर एक्शन कैसे हैं। जैसे मैंने कहा कि इसके एक्शन क्या पहली वाली मूवी से ज्यादा हैं, कम हैं या उतने ही रखे गए, तो इसका जवाब है भाई साहब इसमें नेक्स्ट लेवल एक्शन है, इतने शानदार एक्शन है, मतलब चुम्बेश्वर लेवल के। एक तरीके से उस थिएटर में खड़े होकर ताली बजाने का मन कर रहा था जिन्होंने इन एक्शंस को डिजाइन किया है, जिस तरीके से हमारे सामने डायरेक्ट किया गया, बहुत शानदार थे उस जी, मतलब बहुत बढ़िया एक्शन रहे हैं, हर एक्शन कमाल का है। लेकिन जो मैं अपने पर्सनली बात करूँ ना, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो इसके अंदर जब एंडिंग हो रही है मूवी की, उसमें आते हैं कि एक चौराहा है उसमें गाड़ियाँ चल रही हैं, मुझे नहीं पता यार उसको क्या कहते हैं, तो वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं और गाड़ियों के बीच में सारे जो जो एक्शन सीन हो रहे हैं, फाइटिंग सीन हो रही हैं, वहीं गोलियाँ चल रही हैं, वो बहुत कमाल का यार। उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास उस सीन को बयां करने के लिए, बहुत बढ़िया मुझे लगे। और भी सारे जो इसके एक्शन सीन रहे हैं वो बहुत कमाल के हैं, मतलब ग्रिपिंग एक्शन है स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक मूवी में आप कनेक्ट रहोगे, इतनी बढ़िया मूवी इन्होंने आपके सामने बनाई है। इसके अलावा जॉन विक की सारी मूवीज में जो मुझे अच्छी चीज लगी है, देखो एक तो इसके अंदर जो डायलॉग कम रखे गए और जो जिस तरीके की कन्वर्सेशन है वो बहुत बढ़िया है, मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, कल्टी मार लेंगे। फिर इसके अलावा जैसे ये इस एक जो रूल है इसके अंदर, वो रूल की जैसे पालना करते हैं, बड़े ईमानदारी से उस रूल की पालना करेंगे, एक दूसरे को गोली नहीं मारेंगे अगर कहीं पर भी वो प्रतिबंधित है तो, भाई वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब सैल्यूट है यार उस रूल को तो। और देखो अब आते हैं इस मूवी की एंडिंग पर, देखो एंडिंग तो कमाल की है, मतलब जो सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो इसमें हमें देखने को मिल रहा है। मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा लेकिन आप वो कहीं पर प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, मैं तो नहीं कर पाया, शायद आप ज़्यादा होशियार हो तो कर लो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो नहीं कर पाया, मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी एंडिंग लगी। ओवरऑल मूवी के बारे में बात करूँ तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत बढ़िया मूवी है, एक एंटरटेनमेंट का धमाका है, एक्शन फुल ऑन है, जो आपको चैप्टर 2 चैप्टर 3 से नेक्स्ट लेवल अगर आपको मूवी चाहिए तो ये चैप्टर 4 आप देखोगे बहुत ज़बरदस्त रही है, मुझे बहुत पसंद आई, हर एक्शन सीन मुझे इसके अंदर पसंद आए। मार्शल आर्ट अगर इसके बात करें, जैसे इसमें मतलब डिज़ाइन किए गए हैं, डायरेक्ट किया गया है, वो चुम्बेश्वर लेवल का है, मतलब मेरे पास शब्द यार मैं क्या तारीफ करूँ इस मूवी की, मुझे इतनी पर्सनली पसंद आई। या तो ये हो सकता है कि काफ़ी टाइम से मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा था तब ये ऐसी मूवी हमारे सामने आती तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। कुछ भी हो मूवी तो यार
धमाल है। मेरी तरफ से देखो इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 9 out of 10। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखी है तो प्लीज कमेंट करना कि कैसी लगी। अगर नहीं देखी है तो इसे मिस मत करना, इसको जाकर देखो। बाकी सब भूलो, ये जुगाटो विगाटो जो वाहियात मूवीज बनी हुई हैं इनको साइड में हटाते हुए इस मूवी को जाकर देखो, बहुत कमाल की है। आपका दिमाग जो है एकदम मतलब क्या कहें, रिफ्रेश हो जाएगा या फिर सन रह जाएगा जिस तरीके के एक्शन इसमें देखने को मिलेंगे, बहुत कमाल के। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।